दोस्तों माफी चाहते हैं, आज का ब्लॉग जो है वो लंबा हो जाएगा क्योंकि आज मेरे पास ना बहुत सारी बातें थी आप लोगों से करने के लिए। तो ब्लॉग को पूरा जरूर देखिएगा, आप लोगों से रिक्वेस्ट है। दोस्तों मैं देख रही हूँ बहुत लोगों का कमेंट आ रहा है कि आप भी मुझको कमेंट कीजिए, आपने तो बोला है कि मैं भी बहुत लोगों का हेल्प करना चाहती हूँ। तो आप मतलब मैं अब कैसे बताऊं, मैंने इतने लोगों को मतलब सब्सक्राइब कर रखा है, इतने लोगों को, और कभी भी जिसको मैंने सब्सक्राइब किया है उसको कभी भी मैंने अनसब्सक्राइब नहीं किया है। बहुत लोगों को मैंने सब्सक्राइब कर रखा है। मेरी सिस्टर लोग बोलती है कि तुम हजार मतलब जितने मेरे सब्सक्राइबर नहीं है ना उससे कहीं ज़्यादा मैंने लोगों को सब्सक्राइब कर रखा है। मुझे लगता है ना कि सब लोग मतलब यही तो सोचते हैं ना कि मुझे सब्सक्राइबर मिल जाए, सब्सक्राइबर मिल जाए। तो मैं सबका, अगर मेरे पास आता है, क्या होता है ना कि मैं बिजी भी तो रहती हूँ ना, काम भी रहता है, तो कभी कभी क्या होता है कि एक दो कमेंट आते हैं, नहीं सब्सक्राइब कर पाते हैं उस इंसान को, लेकिन अगर वो नेक्स्ट कभी कमेंट आता है तो मैं सब्सक्राइब कर देती हूँ। तो मैं अपनी तरह ही सबको समझती हूँ, और लोग कहते हैं कि मतलब आप बोलती हैं हेल्प करने के लिए, पहले मैं उस लायक तो हो जाऊँ। अभी तो मैं क्या कर सकती हूँ, सिर्फ सब्सक्राइब कर सकती हूँ, और क्या कर सकती हूँ। और हेल्प तो करने के लिए मैंने बोला है, तो वो अगर आगे, अगर आप लोग देखोगे मुझे मतलब आगे बढ़ते हुए, तो फिर वो आप लोगों को दिखाई देगा ही कि मैं हेल्प कर रही हूँ कि नहीं कर रही हूँ। जय हिंद दोस्तों, मैं नीतू राय ठाकुर स्वागत करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल फौजी वाइफ हार्ड लाइफ में। कैसे हैं दोस्तों? आई थिंक आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, और आप सब लोगों की कृपा से मैं एकदम अच्छी हूँ। और दोस्तों बस ब्लॉग में आप सब ऐसे ही बने रहिएगा, कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि आज का ब्लॉग जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। और चैनल पर जो लोग भी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर हमारा ब्लॉग आपको पसंद आता है तो। ओके दोस्तों, तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं आज एक नए ब्लॉग की। थंबनेल देखकर तो आप लोग को पता चल ही गया होगा कि आज का टॉपिक क्या है ब्लॉग का। तो जी हाँ दोस्तों, आज हमारा जो यूट्यूब का फैमिली है वो आज से 2 दिन पहले ही 1,000 का हमारा यूट्यूब फैम परिवार हो गया है। तो ये अपने आप में मतलब बहुत ही खुशी देने वाला है कि मतलब वैसे तो मतलब मेरी सोच अभी और आगे की है, बट फिर भी मतलब 1,000 लग जाना ये बहुत ही बड़ी बात है। उसके बाद तो फिर मेरी क्या सोच है वो अलग की बात है, लेकिन फिर भी अभी मैं बहुत खुश हूँ, और मेरे जो भी मतलब मेरे फैमिली मेम्बर्स हैं वो भी बहुत खुश हैं। तो मैंने सोचा कि चलिए इस पे एक ब्लॉग बना देते हैं, और जो हमारी यूट्यूब की ये फैमिली 1,000 हुई है, इसका इन सब के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और वैसे दोस्तों मेरा ये 1,000 का परिवार, यूट्यूब का परिवार होने में ना बहुत लंबा टाइम लग गया, लगभग 6 महीने लग गए। और बाकी तो मैं बहुत लोगों को देखती हूँ कि उनका 1 महीने, 2 महीने, या फिर बहुत लोगों का इससे ज़्यादा भी लगता है। तो कुछ लोगों का तो लक भी होता है, और कुछ लोगों का बहुत अच्छा कंटेंट होता है, बहुत अच्छा थंबनेल बनाते हैं, मतलब उनका सब कुछ बहुत अच्छा होता है, वो काम बहुत अच्छा करते हैं। मैंने भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश किया, लेकिन फिर भी हमें शुरू शुरू शुरुआत में जो है बिल्कुल भी नॉलेज नहीं था यूट्यूब का, और बहुत सारी हमसे गलतियाँ हुई हैं। तो हाँ ये ज़रूर है कि धीरे 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 मैंने उन सब में सुधार किया और कुछ अच्छा करने का कोशिश किया। तो चलिए कोई नहीं, अभी भी फिर भी मतलब जो भी मेरे सामने, आप सबके सामने है ये 1,000 वाली हमारी यूट्यूब की फैमिली, ये हमारे लिए मतलब बहुत खुशी देने वाली बात है। और आप लोगों का प्यार, आप लोगों का सपोर्ट अगर ऐसे ही रहेगा तो ये जो आप लोगों का 1,000 का अभी तक का हमारा आप लोगों का साथ फैमिली बना हुआ है यूट्यूब से, ये और बढ़ता ही जाएगा। और दोस्तों चलिए फिर सबसे पहले इसके लिए जो है मैं ईश्वर को प्रणाम करती हूँ, और उनसे प्रार्थना करती हूँ कि बस ये आप ऐसे ही मेरे अंदर और जुनून और हौसला बना के रखिएगा, और मैं ऐसे ही दिन प्रतिदिन आगे बढ़ती रहूँ। और उसके बाद जो
मेरी लाइफ की सबसे इम्पोर्टेंट व्यक्ति है वो है मेरी माँ। तो जिन मतलब अगर मैं YouTube पे आई ना, तो सबसे पहले मतलब मेरी जो सोच होती है वो उन्हीं के प्रति होती है, और उन्हीं के लिए, उन्हीं की वजह से, उन्हीं के लिए, उन्हीं के सपनों को। और फिर और मम्मी के सपने ही मेरे सपने हैं। पहले जो उनके सपने थे उनको पूरा करने का मतलब शायद इससे मतलब कुछ हो सकता है इसके थ्रू से। तो बस मैं ये सोचती हूँ कि मम्मी जहाँ भी होगी देख रही होगी और बहुत खुश होंगी, बहुत ही ज़्यादा खुश होंगी, और मुझे बहुत सारा आशीर्वाद भी दे रही होंगी। तो दोस्तों, और चलिए जानते हैं अपने और भी फैमिली मेम्बर्स से कि उनका क्या एस्पेक्ट है, वो क्या रुझान रखते हैं इसके प्रति, क्या सोच रखते हैं। तो चलिए आप सबको उन लोगों से भी मिलवाते हैं ब्लॉग में। आप लोग ऐसे ही बने रहिएगा, कहीं जाइएगा नहीं, ओके दोस्तों। और उसके बाद जो है मैं अपना ये जो 1,000 का हमारा फैमिली हुआ है ना, इसके बारे में भी हम बताएंगे कि कैसे हुआ है। तो कहीं आप लोग जाइएगा नहीं, ओके दोस्तों। चलिए पहले सबसे मिलवाते हैं आपको, सबका देखते हैं कि सब लोग क्या बोलते हैं। तो सबसे पहले जो है दादी से जान लेते हैं, क्योंकि आप सबको तो पता ही है कि दादी का कितना बड़ा रोल है हमारे ब्लॉग में। वो भी बहुत इंटरेस्टिंग बनाती है हमारे ब्लॉग को, बहुत लोगों को अच्छा लगता है। जिस दिन दादी ब्लॉग में होती हैं उस दिन का ब्लॉग जो भी देखते हैं ना, कमेंट जरूर आता है कि दादी के लिए बहुत सारी कमेंट आते हैं। तो चलिए गोल लाग लेते हैं। गोल लाग लो यही तो भगवान जीवन अंदर रखो तारा के बढ़ाओ देश तो लोग के देश बढ़ाओ। और अभी हमारे यहाँ पूजा पाठ नहीं हो रहा है, इसलिए हम कुछ मतलब भगवान को प्रसाद नहीं चढ़ा पाए हैं, बस छुटका दिल से भैया जो है। तो अभी जो है दादी आ गई हैं, और दादी से पूछते हैं कि दादी को कैसा लग रहा है, क्योंकि दादी का भी बहुत बड़ा सपोर्ट होता है मेरे इस ब्लॉग में। सही तो कहा तो आजी लोग आजी बताई हाँ सही कि सब जानता कहने नहीं लो सुनी पहले हाँ जैसे नू कि ए बरा हमारे जो ये बनावा था नहीं ब्लॉग, ए बरा 1,000 ई हमारे परिवार, जैसे हमने के 6 गो 7 गो लोग बनी जा हाँ सही, 1,000 के परिवार हो गए भाई यूट्यूब के। तो रघुआ कैसा लागत हटे, का कहता नहीं ठीक बा यही तरी रहो लोग यही तरी बनाओ लोग करो लोग निमन से रहो लोग बढ़िया बा निमन लागता करबू लो तबे न कह दी कि यही तरह अपन हाँ साथ दे और देते सही रहो। साथ देत रह लोग हाँ हाँ कि चलत रहो साथ देबू लोग तबे न चली साथ दो लोग चलो हाँ सो क्यूट हाँ हम साथे खाती कत कि साथ देत रही सबे इहो चलो इहो करस दिन तबे न चली हाँ और चलिए अब मम्मी से पूछते हैं कि मम्मी को कैसा लग रहा है हमारा आज जो ये मतलब आज नहीं, आज से 2 दिन पहले ही आपको तो हम बताए थे कि मतलब मेरा ये YouTube का जो परिवार है वो 1,000 का हो गया है। तो मम्मी आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है तो बोले नहीं वैसे, तो कैमरा सो जा धीरे हो जाता नहीं, आज ही खूब खूब चटक और चटक बोले नहीं। सोची कि हमरे से कहा था नहीं बोली वो, मैं मत सोची कि केहू दोसर के उसका हम कह दिल मनी बस रहुआ कही ना हाँ तनी ये कर के बाकी आगे घर पढ़ाई सब है हाँ तनी आगे घर बोलो कर सब है खुशी खुशी हो खे हाँ तो चलिए मम्मी बोल रही हैं कि मतलब और आगे जो है और भी मतलब फैमिली जो है बढ़ाइए आप लोग, मम्मी का कहना ये है। और अभी जो है ना मेरे पास आ गई हैं अनु जी, तो चलिए मेरी ननद जी हैं छोटी, तो इनसे पूछते हैं कि इनको कैसा लग रहा है मेरा 1K बहुत बढ़िया लग रहा यूट्यूब है। फैमिली। इन्हें आपने बहुत प्यारा सारा प्यार दिया, और ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखे और सपोर्ट करते रहिए मेरे प्यारे साथियों।
जैसे अपना वन के पे प्यार दिखाया है वैसे ही आगे और दिखाते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का जो आप लोगों ने इतना सपोर्ट किया है। जय हिंद जय। और चलिए फिर पतिदेव जी से जानते हैं कि उनकी क्या सोच है। उनसे भी जान लेते हैं एक, फिलहाल वो मेरे पास तो है नहीं, लेकिन एक छोटा सा क्लिप जो है बना के उनके पास भेजते हैं, देखते हैं वो क्या कहते हैं। तो ये बताइए कि आपको जो ये हमारा YouTube का फैमिली 1000 कंप्लीट हुआ है, कैसा लग रहा है आपको? तो ये जो है ना, मतलब बहुत धीरे बोल रहा है, तो मैं आप लोगों को बता दे रही हूँ कि मतलब बोल रहा है कि बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन अभी इनका सोचना और बहुत बड़ा वाला है। तो चलिए, तो दोस्तों ये था हमारे फैमिली का रिएक्शन, सबका जो हमारा 1000 का यूट्यूब का फैमिली हुआ है उस पर सबका क्या एक्सपेक्ट है, देख लिया आप लोगों ने। आई थिंक आप सबको बहुत अच्छा लगा होगा। और चलिए अब मैं बताती हूँ कि मुझे यहाँ तक, मतलब जो यूट्यूब की अभी तक की जर्नी थी उसके लिए मुझे मतलब कैसा था। तो दोस्तों सच कहूँ तो मेरे लिए, मतलब देखिए सब लोग कहते हैं अरे मतलब ऐसा तो कोई वो नहीं है, मतलब जहाँ पे भी जैसी स्थिति आपकी, देखिए सबकी स्थिति अलग अलग होती है। मेरे यहाँ की स्थिति जो है ना वो बहुत ही क्रिटिकल है, बहुत ही। यहाँ पे यूट्यूब पे आना मतलब ये थोड़ा है ना कि बिहार में अभी काफ़ी पीछे का क्षेत्र है, तो बहुत बड़ी बात है मतलब यहाँ पे यूट्यूब पर आना और ससुराल में जो है ब्लॉगिंग करना। फिर बहुत तनावपूर्ण होता था सबको समझाना अपने बातों से, और फिर फैमिली को संभालना, ब्लॉग बनाना मीन्स शूट करना और फिर एडिट करना फिर डाउनलोड करना। यहाँ पे तो नेटवर्क की प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा है, मैंने कई बार आप लोगों को ब्लॉग में भी बता रखा है कि यहाँ पे नेटवर्क प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा है, इतना ज़्यादा होता है कि पूछिए मत। कभी कभी हम लोग जो है एक दिन भी लग जाते हैं एक वीडियो डाउनलोड होने में, मतलब आप लोगों को बहुत आश्चर्य होगा लेकिन ये सच्चाई है। और कभी कभी अच्छा नेटवर्क होता है तो एक डेढ़ घंटे में भी हो जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा मतलब मैं तो जब से स्टार्ट की ना तब से सोना बंद कर दी हूँ। फिर भी और थोड़ा सा कई बार ऐसे उतार चढ़ाव आए जब ऐसा लगा कि अब शायद मुझे इसे बंद करना पड़ेगा। अभी भी मतलब क्योंकि अभी देख रहे हो आप 6 महीने हो गए हैं और कोई रिस्पांस उतना अच्छा नहीं है, तो भले ही मेरे ही गलती से हो, मैं रेगुलर पहले काम नहीं कर पाती थी और शॉर्ट्स भी बीच में मैंने डाल दिया था, उसकी वजह से मेरा जो ब्लॉग है वो धीरे हो गया था। तो क्योंकि ये ब्लॉग चैनल है तो इस पर ब्लॉग ही बनाना सही रहता है, शॉर्ट्स उतना नहीं डालना चाहिए। बट मुझे, मैं बोली ना कि पहले उतना नॉलेज नहीं था, इसकी वजह से जो है ये मेरा ब्लॉग चैनल काफ़ी स्लो हो गया है, आई थिंक मुझे ये लगता है। तो दोस्तों बस मतलब लोगों को समझाते हुए और आज मतलब ये ब्लॉग मैं लेकर चली आ रही हूँ। बहुत कुछ मैं अपने ब्लॉग के थ्रू से मतलब सिखाने की भी कोशिश करती हूँ लोगों को, लेकिन अभी उतना नहीं हो पा रहा है, झूठ नहीं बोलना है, मतलब अभी जो मैं चाहती हूँ उतना नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन फिर भी मुझे मतलब फ्यूचर में ऐसा करना है जो मैं सोचती हूँ, कुछ अच्छा, मतलब कुछ बहुत अच्छा। और ऐसा नहीं है कि हम ब्लॉग बनाते हैं हंसते हुए चले आते हैं, बहुत लोग बोलते हैं बहुत ज़्यादा मतलब ओवर एक्टिंग करती हूँ, वो तो मैंने पहले कह दिया है कि जब मैं बहुत ज़्यादा खुश होती हूँ ना तो अपने आप वो मेरी नौटंकियाँ निकल के आती हैं, थोड़ा सा मतलब उस तरह से बोलना नौटंकी करके वो सब ना मतलब ओवर एक्टिंग नहीं होता है, वो मेरी बचपन की ही आदत है। बस वैसे ही बहनों के साथ भी या फिर यहाँ पे भी दादी वगैरह हैं जिससे मैं ज़्यादा लगी रहती हूँ उनके साथ ना, मैं एकदम फ़नी मूड में हमेशा, अच्छा ये वो इनसे भी मैं बोलती हूँ अच्छा अच्छा, तो वैसे ही मैं यहाँ पे भी बात करने लगती हूँ, लेकिन कभी कभी सोचती हूँ कि उस तरह बात ना करूँ, लेकिन फिर भी जो अपनी आदत होती है ना वो आ ही जाती है, वो जल्दी से नहीं छूटती है। तो और चलिए फ़िलहाल ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा हमारा और आपका,
और बहुत अच्छे अच्छे आप लोगों का जो कमेंट भी आता है हमारे ब्लॉग पे, उससे दिल बहुत खुश हो जाता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमारा वेट करते रहते हैं और उनका बहुत प्यारे और उनके बहुत प्यारे प्यारे मैसेज हमारे पास आते हैं। तो और दोस्तों हाँ, मैंने जैसा कि शुरुआत में बोला कि मतलब ये मेरा 1K कैसे कंप्लीट हुआ है इसका भी मैं बताऊंगी। तो क्या हुआ कि मैं वीडियो अपलोड करते गई और ऐसे मतलब मतलब एक वीडियो अपलोड करती थी तो शुरुआत में तो बहुत अच्छे मतलब सब्सक्राइबर निकल के आते थे, क्योंकि मेरी बहन वगैरह बहुत ज़्यादा मतलब मेरा हेल्प करती थी इधर उधर, अपने फ्रेंड्स वगैरह से सब्सक्राइब करवाना, मेरे रिलेटिव जितने थे उनसे हम लोगों ने अपने चैनल को तो इस तरह से सब्सक्राइबर मतलब अच्छे खासे मिल जाते थे। फिर धीरे धीरे जब ये सब मतलब एक लिमिट होती है उनकी, वो सब ख़त्म हो गया और उसके बाद अब केवल मतलब सब्सक्राइबर मेरे वीडियो के थ्रू मिलने वाले थे। तो ऐसे मतलब एक वीडियो डालने पे 10, 12, 15, 20 ऐसे मिल जाया करते थे मुझे सब्सक्राइबर। और फिर उसके बाद धीरे 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 करते करते ऐसा हुआ कि मतलब मेरे 870 सब्सक्राइबर मुझे मिल गए। उसके बाद एक दिन मैं मेरे पे नोटिफिकेशन आया टेक चैम्पियन सपोर्ट सर का, अंशु मौर्य सर, तो उनका जो है मैंने देखा कि लाइव का आया हुआ था नोटिफिकेशन। मैं वैसे भी उनका हर ब्लॉग देखती हूँ क्योंकि अच्छा लगता है मुझे, उनका काम बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ही ज़्यादा। तभी जो है मैंने उनका वो लाइव जो है ज्वाइन किया और फिर उसमें देखा कि उसमें लिखा हुआ था कि मतलब सब्सक्राइबर बढ़वाने के लिए था वो लाइव, उसका टॉपिक यही था कि मतलब सब्सक्राइबर आप सबको मिलेंगे, चैनल चेक करवा रहे थे सब लोग। तो मैंने भी अपना चैनल चेक करवाया और सर से बोला कि आपको आपसे मुझे हेल्प की ज़रूरत है। तो सर ने मेरा चैनल चेक किया और चेक करने पर मतलब काफ़ी तारीफ़ भी किया कि मतलब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लोगों से बोला कि देखिए इनके चैनल को आप लोग जाके विजिट कीजिए और इनसे कुछ सीखिए। बट जो मतलब मैंने गलतियां किया था उसको भी उन्होंने बताया कि मतलब मैंने शॉर्ट्स वगैरह डाल रखा था और देर देर से मैं जो काम करती थी काफ़ी मतलब 2-4 दिन गैप करके, उसको भी सर ने मतलब बोला कि ऐसा नहीं होना चाहिए। और फिर सर ने लोगों से कहा कि मतलब इनका केवल 130 जो है सब्सक्राइबर कम है 1K होने में, तो आप लोग जल्दी जल्दी जो है इनका मतलब सब्सक्राइब कर दीजिए। तो लोगों ने मेरा चैनल जो है सब्सक्राइब कर दिया और लगभग 1000 पार हो के 1017 के लगभग हो गया था। और उसके बाद मैंने देखा कि धीरे 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 जैसे जैसे रात हो रही थी सब मुझे अनसब्सक्राइब कर रहे थे। और फिर जो है अब जो भी लोग कर रहे हों, फिर मैंने क्या किया कि हाइड कर दिया अपना सब्सक्राइबर। और उसके बाद जो है 1005 उस पर बचा हुआ था। फिर मैं जब ब्लॉग डालती हूँ ना तो मेरे सब्सक्राइबर दिन में मतलब एक ब्लॉग डालने पे 15-10 ऐसे 5 मतलब जब जैसा हो मिल ही जाते हैं। तो डेली मेरे सब्सक्राइबर आ रहे हैं, मुझे मिल रहे हैं, बट उससे ज़्यादा अभी जैसे आज ही देखा मैंने मॉर्निंग में मेरे 6 सब्सक्राइबर मुझे मिले मॉर्निंग में एक ब्लॉग पे, बट 8 लोगों ने मुझे अनसब्सक्राइब किया। तो ऐसे ही मतलब 10 लोग, 12 लोग, 15 लोग मुझे अनसब्सक्राइब कर रहे हैं। और ये 1000 वाली जो फैमिली है ना, ये घट चुकी है, अभी मेरी 1000 है नहीं, ये तो मैं मतलब 1000 देख चुकी हूँ अपने चैनल पे। इसलिए जो है थोड़ा सा आप लोगों को मतलब जो भी मेरी और फैमिली है सबको धन्यवाद बोलने के लिए मैंने ये ब्लॉग बना दिया। आप लोगों का जो ये प्यार है, सपोर्ट है, बस ऐसे ही बना के रखिएगा। और बात करें अंशु मौर्य सर की, तो वो ना मतलब इतने बड़े यूट्यूबर होते हुए मैंने देखा है कि वो सबसे अलग है, मतलब उनका काम सबसे अलग होता है। जिसको वो देखते हैं कि इसको मेरी हेल्प की ज़रूरत है, तो यहाँ तक मैंने देखा है कि वो उनके पास भी चले जाते हैं उनकी हेल्प करने के लिए और उनका हेल्प करते हैं। बहुत लोगों का उन्होंने हेल्प किया है और मतलब जो सच होता है ना उससे रूबरू करवाते हैं, तो ये बहुत अच्छा लगता है, उनका काम मुझे बहुत अच्छा लगता है। और बहुत दिन से मैं उनको फॉलो कर रही थी और उस दिन सर से बात भी हो गया था तो बहुत अच्छा लगा था मुझे। और बस दोस्तों काफ़ी बड़ा हो जाएगा आज का ब्लॉग, तो चलिए फिर यही था आज के ब्लॉग में।
तो लास्ट में बस आप लोगों को एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, इतना सारा प्यार, इतना सारा सपोर्ट, इतना सारा साथ देने के लिए, और ये हमेशा आप लोग देते रहिएगा। ओके दोस्तों, तो चलिए फिर आज के ब्लॉग को करते हैं यहीं पे, टाटा बाय बाय। आप सबसे मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक आप सब रखिएगा अपना ख्याल, अच्छे से रहिएगा, हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, और मेरे चैनल का बहुत अच्छे से ख्याल रखिएगा, अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा, और जो लोग भी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कीजिएगा ताकि मेरा नोटिफिकेशन आप तक जाता रहे और आप हमारी सारी वीडियोस देखते रहें। ओके दोस्तों, पसंद आ जाए तो मीन्स मेरा ब्लॉग आपको पसंद आए तो ओके दोस्तों, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, और तब तक के लिए जय हिंद।